हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति वारी है। प्रीति वारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साड़ी के लिए दो बहुत ही ब्यूटीफुल हाई बन हेयर स्टाइल। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। और बहुत ही प्यारे हेयर स्टाइल है, बहुत ईजिली आप बना लोगे और कहीं भी जाना हो पार्टी वार्टी में भी तो आप ये बना सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखेगा। ओके, और ये वाली दोनों हेयर स्टाइल आप राउंड इयर रिंग्स के साथ बनाओगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैंने इस तरीके से हेयर को लिया है और दोनों साइड से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे। थोड़ा सा जैसे कान के पीछे तक हेयर ले लेना है। ओके, और फ्रंट वाले हेयर को एक जगह सिक्योर कर लेंगे ताकि हमको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे छोटू से क्लचर की मदद से आगे के बालों को सिक्योर कर ले रही हूँ और बैक जो हेयर हैं उन सबको लेके एक हाई पोनी बना लेनी है इस तरीके से। ये हेयर स्टाइल बड़े बालों में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बट मेरे बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, तो छोटे बालों में भी आप साड़ी के लिए ये दो सुंदर हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ऊपर तक कॉम करके बालों को ले लिया है, फ्रंट के हेयर नहीं लेने हैं। और उसके बाद से एक रबड़ बैंड की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है। तो मैंने वो रबड़ बैंड रख के रेड रबड़ बैंड उठा लिया यहाँ पे और इसी से बालों को टाइट कर लूँगी। तो थोड़ा सा टाइटली बनाइएगा, ज़्यादा लूज नहीं करना है। उसके बाद से ये वाला खोलना नहीं, मैंने पहले खोल दिया, अभी आपको बन बना लेना बैक का, उसके बाद से इसको ओपन कीजिएगा। तो बन बनाने के लिए सिंपली हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा बालों को खींचेंगे ताकि आपका बन जो पतला हल्का हेयर है तो भी आपका बन काफ़ी अच्छा और बड़ा दिखे इसके लिए। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा हेयर खींच ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा दिखता है इस तरीके से हेयर स्टाइल अगर बन आप बनाते हो ट्विस्टिंग करके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा खींचते जाओगे तो। ओके, बाकी बच्चे बालों को इस तरीके से लपेट देंगे और यू पिन की मदद से इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे दो यू पिन से मैं सेट कर ले रही हूँ, बाद में और यू पिन्स लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी प्यारा सा हमारा बन बन चुका है। रबड़ बैंड अगर दिख रहा है तो उसको आप थोड़ा सा खींच के हाइड कर सकते हो, छुपा देना है। उसके बाद से एक साइड से आपको थोड़ा सा पतला सा सेक्शन लेना है बालों का और इसमें उल्टा जो फ्रेंच ब्राइड बनता है इस तरीके से बीच वाले लेयर को ऊपर से लेना है और साइड वाले हेयर लेयर्स को नीचे से लेके थोड़ा थोड़ा हेयर इसके साथ मिलाते जाना नीचे वाले लेयर में और एक ब्राइड बना लेनी है जितना आपका हेयर है उतने में। थोड़े थोड़े हेयर दोनों साइड से मिलाते जाएंगे और इस तरीके से ब्राइड को कंप्लीट करेंगे। तो दोनों साइड से थोड़े थोड़े हेयर ले लीजिए और ब्राइड कंप्लीट कीजिए। जब पूरा ब्राइड बन, आप चाहो तो लेयर्स निकाल सकते हो, लेयर निकालना है तो पहले ही निकाल लीजिएगा। ओके, और फिर जैसे हम लोग खजूरी चोटी बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पतला पतला सेक्शन लेते हैं ना, बट लेकिन आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है। जैसे आपका जितना भी लेयर बचा हुआ है उसमें से टू पार्ट्स इस तरीके से करते हुए ब्राइड बना लेनी है पूरी। तो ये हमने ब्राइड यहाँ पे बना लिया है, अब इसको थोड़ा थोड़ा खींच के वॉल्यूम जैसे खींच लेंगे तो बालों में जैसे हमारी ब्राइड है उसमें ब्राइड में थोड़ा सा वॉल्यूम ले आएंगे इस तरीके से। ब्राइड्स को खींच के चोटी को जो बनाया है इस तरीके से खींचेंगे और थोड़ा वॉल्यूम लाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे खींच लिया है, पूरा ऊपर तक खींच लेंगे, जो हमारी फ्रंट के हेयर में जो हमने फ्रेंच ब्राइड बनाया था वहाँ तक आपको खींच लेना है इस तरीके से ऊपर तक। तो ये हमने खींच लिया है और अभी जब हमने ब्राइड कंप्लीट किया इसको बैक साइड में लेके जाएंगे, नीचे की तरफ से लेके जाते हुए इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट देंगे और यू पिन से इसको सेट कर देंगे। ओके, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करना है आपको। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हेयर स्टाइल। अब इसी तरीके से
इस साइड भी बनाएंगे। थोड़ा सा सेक्शन लेंगे बालों को, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेंटर वाले पार्ट्स को ऊपर की तरफ से और बाकी दोनों साइड के बालों पार्ट्स को नीचे की तरफ से इस तरीके से ब्राइड बनाएंगे। और थोड़ा थोड़ा सेक्शन बालों का लेंगे और नीचे वाले लेयर्स में मिक्स करते जाएंगे और ब्राइड को कंप्लीट करेंगे एंड तक। तो इस तरीके से एंड तक ब्राइड को कंप्लीट कर लिया। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही बालों को खींच के, सॉरी चोटी को खींच के इसमें वॉल्यूम लाएंगे। और जब पूरा खींच लोगे तो इसको भी सेम उसी तरह तरीके से बैक साइड में लेके जाएंगे और जो हमने बन बनाया है उसके चारों तरफ लपेट देंगे। ओके, तो ये हमने खींच लिया इस तरीके से और बैक साइड में लेके जाएंगे। जो हमने बन बनाया था उसी तरीके से लपेट देंगे यहाँ पे और यू पिन से सेट करेंगे। ओके, वाओ कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगर बैक से बहुत ज़्यादा फ्लैट हेयर लग रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा खींच के थोड़ा अच्छा सा लुक दे देंगे इसमें। और ये है फाइनल लुक ब्राइड का। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। चारों तरफ से मैं दिखा दे रही हूँ कैसा लुक है इसका हेयर स्टाइल का। और थोड़ा थोड़ा खींच के जो हमारा बन है उसको भी थोड़ा बन मैसी सा लुक देंगे और यू पिन से सेट कर लेंगे अच्छे से। और जो साइड से अगर आपको लगे कि आपकी ब्राइड लूज पड़ गई है तो आप इस तरीके से बॉबी क्लिप लेके और इसमें इस तरीके से सेट कर लोगे तो लॉन्ग टाइम तक आपका हेयर स्टाइल बना रहेगा और निकलेगा नहीं। तो दूसरा वाला बॉबी पिन लिया, इस तरीके से फैला लेना है और इसको बन के पास ही इस तरीके से सेट कर लेना है। तो ये हमारे बन का फाइनल लुक हो गया। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल में भी आपको सेम उसी तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग है। वही पोनी के ऊपर आपको एक बन बना लेना है और इस तरीके से आपको बन को बनाना है। जब आपका बन कंप्लीट हो जाए इसको यू पिन से सेट करके और साइड के हेयर्स को इस तरीके से साइड पार्टिंग निकालेंगे बालों की और एकदम फ्लैट कॉम करते हुए बन के नीचे से लेके जाएंगे और लेयर को इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट के और यू पिन से सेट कर देंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत स्टाइलिश दिखता है और बहुत अच्छा दिखता है ये और बहुत आसानी से आप बना लोगे। अगर आपका हेयर कहीं से बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप स्प्रे की मदद से या फिर जेल की मदद से इसको सेट कर लीजिएगा। अब दूसरी साइड के भी हेयर्स को इस तरीके से लेके जाएंगे कॉम करते हुए। मैंने यहाँ पे फिंगर का यूज़ किया, आप चाहो तो कॉम कर सकते हो। उसके बाद से इसको भी बन के नीचे से लेके जाएंगे और इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट के यू पिन से सेट कर लेंगे। तो जहाँ भी आपको इस तरीके से लग रहा है कि आपको अच्छा ना लगे तो आप यहाँ पे यू पिन से सेट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो बॉबी पिन से सेट कर सकते हो या फिर आप जेल स्प्रे जो भी आपकी चॉइस हो आप उससे सेट कर सकते हो। लेयर्स भी निकाल लीजिएगा। ये लेयर हमारा इस तरीके से छूट गया था तो मैं उसको बन के चारों तरफ लपेट दे रही हूँ। इस साइड से भी मैं लेयर्स को निकाल लूँगी और ये हमारे बन का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। मैं अपने चैनल पर इसी तरीके की बहुत सारी हेयर स्टाइल्स की वीडियोज़ लेकर आते रहती हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है और मेरा जो दूसरा चैनल है प्रीत तिवारी सिलाई कोर्स, प्रीत तिवारी चैनल का नाम है, ओनली सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी सर्च करोगे तो आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।